Hello and welcome back. We have discussed so far the WTO and we have discussed lot of concept in WTO. So WTO में अभी तक हमने जो discuss किया है उसमें WTO के basic functions क्या हैं, trade barriers के बारे में discuss किए हैं कि tariff और non-tariff, tariff क्या होता है कि tax जो impose होते हैं वो tariff है, non-tariff जो है वो tax की बात नहीं करता है, वो बात करता है regulations की, वो बात करता है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है ताकि डंपिंग ना हो, और डिफरेंट डिफरेंट मीज़र्स लाइक एक फोरम प्रोवाइड करती है ताकि वो रेड टेप, डंपिंग और लोकल रेगुलेशंस जो कंट्रीज़ के हैं उनसे कैसे निपटा जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई डिस्प्यूट है तो उसके फोरम में कैसे लाया जाए, ये सारी बातें डिस्कशन हम कर चुके हैं इनका, और फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ WTO हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम ट्रेड ब्लॉक को डिस्कस करते हैं आज। तो ट्रेड ब्लॉक में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन या फिर ट्रेड ब्लॉक इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस और इफ पॉसिबल टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर नेशंस। ठीक है, मेंबर नेशंस जो हैं उनके बीच में जो है एलिमिनेट किया जा सके ट्रेड बैरियर्स को। अब जैसे कि मैंने ट्रेड बैरियर्स बताए थे कौन कौन से हो सकते हैं ट्रेड बैरियर्स, एक तो टैरिफ हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं नॉन टैरिफ। टैरिफ क्या हो सकते हैं, जो टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज करती है आप किसी भी कमोडिटी का लोकली किसी बाउंड्री रीजन्स पे किसी अदर कंट्रीज़ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैक्सेस टैरिफ होते हैं जो इम्पोर्ट करती हैं, टैक्सेस इम्पोर्ट करती है गवर्नमेंट वहाँ की। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी होती है, एक कोई आइटम इंपोर्ट करोगे तो क्वांटिटी पे, वॉल्यूम पे नॉन टैरिफ वर्क करता है, कभी भी टैक्स पे नॉन टैरिफ वर्क नहीं करता है। तो जब कस्टम ड्यूटी उन पे इम्पोज होती है किसी भी आइटम पे, कोई आइटम कितनी मात्रा में आ जा सकता है, उस पर प्रॉपर लेबलिंग है कि नहीं है, उसने ट्रेडमार्क का फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए। तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इफ़ेक्टेड होता है और ग्लोबल मार्केटिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह के जो रिड्यूस किया जा सके ट्रेड बैरियर्स उसके लिए क्या क्या वर्क है, ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या करते हैं, एक तरह से ब्लॉक बनता है हमारा, जैसे कि हम एक के ऊपर एक ब्लॉक बना करके हम काफ़ी ज़्यादा उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में किसके किसके मैचिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं, यानी कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हो सकते हैं, वो उस ब्लॉक में कौन कौन फिट हो सकता है। तो जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको इसमें इन ट्रेड बैरियर से कुछ छूट मिल जाती है, उसी को बोलते हैं हम कि ये ट्रेड ब्लॉक्स हैं। और इन ट्रेड ब्लॉक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्रेड ब्लॉक्स हम क्यों बनाते हैं, तो समझ में आया होगा आई गेस कि ट्रेड ब्लॉक जैसे कि जो भी मेंबर कंट्रीज जैसे ब्लॉक्स है, बच्चे पजल खींचते तो ब्लॉक्स मिलाते थे, तो जो ब्लॉक्स बनते हैं उन वो मेंबर नेशंस के लिए, जिनके जिनके मैचिंग ब्लॉक हैं वो बन गए, तो जो जो कंट्रीज उनके मेंबर नेशन में आ गई उनके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा और उन पे बैरियर्स कम लगेंगे या नहीं लगेंगे, और जो नॉन मेंबर्स होंगे उन पे ज़्यादा लगेंगे। तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी समझ में आ गए और ट्रेडिंग ब्लॉक भी समझ में आ गया होगा आई होप। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, क्यों, टू रिड्यूस द पॉसिबल टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर नेशन। दूसरा है टू प्रमोट द फ्री ट्रांसफ़र ऑफ लेबर कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उन पे लेबर हो, कैपिटल हो या कुछ और प्रोडक्शन फैक्टर्स हो प्रोडक्शन करने में, उनको कैसे फ्री किया जा सकता है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितना लेबर है, कैपिटल है, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है, क्या अगर मेंबर नेशंस हैं तो उनको किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो हम क्या फ्री कर सकते हैं क्या, इसके बारे में ये इसको प्रमोट करता है ट्रेडिंग ब्लॉक। टू मेंटेन द बेटर कल्चरल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ इसी को हम नाफ्ता में रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कई कई जगह रिवाइज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव सेम रहने वाले हैं। जैसे ये जो ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिंग ब्लॉक्स के, ये ऑब्जेक्टिव हम इसमें पढ़ेंगे, चाहे नाफ्ता में पढ़ें, चाहे एशियन में पढ़ें, चाहे सार्क में पढ़ें, उसकी डेफिनेशन अलग होगी, बाकी ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे ईयू के लिए, नाफ्ता के लिए, एशियन के लिए और सार्क के लिए, ठीक है। तो ये सारे में
डेफिनेशन अलग होगी और ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव के ढंग से समझ लेना ताकि ये सब में एक ही ऑब्जेक्टिव हमें लिखना है। तो ये जितना जो भी आंसर कवर होगा सबके लिए एक ही आंसर बता रहा हूँ और एक ही आंसर में सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन एक ही आंसर में तैयार आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मेन ऑब्जेक्टिव नंबर वन क्या है कि सबसे पहला काम है ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना, ट्रेड बैरियर्स को कम करना। जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स यानी कि जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में जो ट्रेडिंग बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करना। दूसरा है लेबर कैपिटल और अदर फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन में उनको फ्री ट्रांसफ़र कैसे किया जा सके, लेबर का, कैपिटल का और अदर फैक्टर जो भी ट्रेड को इफेक्ट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो इफेक्ट करते हैं। तीसरा है कि कल्चरल सोशल पॉलिटिकल टाइज हो सके, उनके बीच में भाईचारा मेंटेन रह सके, कल्चरल और सोशल और पॉलिटिकल टाइज हो सके उन नेशंस के बीच में जो मेंबर नेशंस हैं। टू असिस्ट द मेंबर नेशंस इट्स पॉसिबल वे टू स्पेशल रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड, वो रेफरेंस दे सकते हैं मेंबर नेशन जो भी होते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें किसी मेंबर नेशन को जोड़ना है क्या करना है, तो एनी पॉसिबल वे जो भी पॉसिबल वे हो सकता है, स्पेशल रेफरेंसेस हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स में डील कर सकते हैं उनको प्रमोट करना। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द रीजन थ्रू मास प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स। अब क्या हो सकता है, जब मेंबर नेशंस को छूट मिल गई तो वो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने गुड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं इंटरनेशनली, जिससे कि कंट्री के ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है। तो इससे क्या होगा, नंबर ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि उस कंट्री की ग्रोथ अच्छी हो। टू बार्गेन द कलेक्टिव इन द नॉन मेंबर्स बाई मीन्स ऑफ देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब नॉन मेंबर्स हैं और वो कोई मेंबर कंट्रीज हैं, उनको नॉन मेंबर के साथ बार्गेनिंग करने में, जब अकेले बार्गेनिंग करने जाओगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अब कलेक्टिव साथ में जाओगे, होता है ना कि यार 4 आदमी साथ होते हैं तो अगला आदमी ज़्यादा सुनता है, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टिप पे है, देखो ठीक से। सबसे पहले एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर कौन से होते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ। टैरिफ रिलेटेड टू टैक्स, नॉन टैरिफ इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम, ठीक है। ये दो बातें याद रहेंगी, याद हो गया कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव टू भाई लेबर का, कैपिटल का, जो भी प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है ये फ्री ट्रांसफर जो है ट्रांसपोर्टेशन में ये कोई हैंडल कर ले, इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तीसरा, जब इतना सारा होगा तो भाईचारा बना रहेगा, कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल टाइज होगा कंट्रीज के बीच में, मेंबर नेशंस जो हैं वो अपने रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो शेयर कर सकते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करना। चौथा है ग्रोथ को प्रमोट करना, मास प्रोडक्शन होगा, जब ग्रोथ प्रमोट होगी तो मास प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगी अच्छे से कर पाएंगे, बार्गेनिंग कलेक्टिव कैसे हो सकते हैं, नॉन मेंबर कंट्री से एक अकेले जाओगे है ना, तो अकेले जाओगे नहीं सुनेगा, इकट्ठा जाओगे ग्रुप में जाओगे सुनेगा, तो बार्गेनिंग इंक्रीज होगी। इम्पोज द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन द नॉन मेंबर्स। अब देखो मेंबर जाएगा तो टैरिफ बैरियर्स नहीं लगेगा, नॉन मेंबर जाएंगे तो टैरिफ बैरियर्स भी लगेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगेंगे, तो उनको उनके कंपैरिजन में मेंबर कंट्रीज के लिए इजी हो जाएगा। तो ये पहले वाले टॉपिक से ही दूसरा वाला टॉपिक आ गया कि यही यही वाला रिपीट हो गया पॉइंट, ठीक है। द टू जनरेट द कंपटीशन अमंग द फर्म्स एंड मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज में भी फॉर्म कंपटीशन जनरेट होगा, वो भी अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, कस्टमर वेलफेयर होगा, ठीक है इससे, और हायर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा जिस भी रीजन में। तो मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, ट्रेडिंग ब्लॉक्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लॉक्स का मतलब समझ में आया, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या हुआ, मतलब जैसे कि कई सारी पजल्स बच्चों को दी जाती है ना, तो कई सारी पजल में जो 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 पजल मैच करती हैं वो ब्लॉक हो गए, ये ब्लॉक मिलके ये बन गया, तो ये सारे मेंबर कंट्रीज के ब्लॉक हो गए। वो मेंबर कंट्रीज क्या करेंगे, नंबर एक ट्रेडिंग ब्लॉक्स को एलिमिनेट, ट्रेडिंग बैरियर्स को एलिमिनेट करेंगे आपस में, ट्रेडिंग बैरियर्स उन मेंबर कंट्रीज पे इफेक्टिव नहीं होगा, फ्री ट्रांसफर होगा लेबर का, कैपिटल का, अदर फैक्टर्स का जितना हो सकता है, कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल टाई अप होंगे उनके बीच में, अच्छे रिश्ते बनेंगे, मेंबर नेशन जो है जो उससे रेफरेंसेस होंगे उनको उनको बेनिफिट मिलेगा, उन अपने रेफरेंसेस को शेयर कर सकते हैं नॉन मेंबर्स के साथ में, रीजन जो है मास प्रोडक्शन होगा, कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी, बार्गेनिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग इंप्रूव होगी नॉन मेंबर नेशन के साथ में, अगर कोई नॉन मेंबर नेशन है उसके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएंगे वो, यानी कि अकेले नहीं निपट पाओगे लेकिन ग्रुप पर तो निपट पाओगे ना। तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है नॉन मेंबर के साथ वो ज़्यादा होंगे, मेंबर्स को फ़ायदा होगा, जनरेट द कंपटीशन फॉर्म, आपस में कंपटीशन जनरेट होगा, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, जिससे कि लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और कंजम्पशंस ऑफ वेलफेयर एंड रीजन्स, ठीक है, कंज्यूमर वेलफेयर होगा एक तरह से। तो ये यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के मेन ऑब्जेक्टिव हैं,
यही ऑब्जेक्टिव आपको हर जगह जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कैसे एक आपको बता सकते हैं कैसे मिलेंगे हर जगह देखने को। तो ये देखो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है, दिस वाज, ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स के मेंबर हैं। तो इसमें इसके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन कौन से हैं ट्रेडिंग ब्लॉक में, देखो इनका ब्लॉक क्या है, ये इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये याद रखना है। दिस वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कॉमन मार्केट बाय द ट्रीटी ऑफ रोम। रोम की जो ट्रीटी थी उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुई थी यूरोपियन यूनियन एंड केम इन टू ऑपरेट इन 1959। तो सबसे पहले तो 1957 में बनी थी यूरोपियन कॉमन मार्केट के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी, और इसकी जो ट्रीटी हुई थी वो रोम की ट्रीटी के थ्रू, ये रोम की जो ट्रीटी हुई थी उसके थ्रू 1957 में ये यूरोपियन यूनियन बनी थी और 1959 में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब इसके फाउंडर मेंबर जो थे जब तक इस टाइम पर बनी थी कम्युनिटी, वो कौन था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था, लग्जमबर्ग था। ये जितने भी फुटबॉल जिन जहाँ जहाँ अच्छा खेला जाता है वो सारे इसके कॉमन मेंबर हैं। देखो फ्रांस में फुटबॉल, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है, तो ये फुटबॉल के कंट्रीज हो गए सारे, वो इसके प्राइमरी मेंबर थे। नाउ इसमें मेंबर जो बढ़ गए हैं उसके बाद बेल्जियम आ गया, डेनमार्क आ गया, फ्रांस आ गया, ग्रीक आ गया, आयरलैंड आ गया, इटली आ गया, नीदरलैंड आ गया है, पुर्तगाल आ गया, स्पेन, यूके, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्वीडन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, यही सेम लिखना है जो यहाँ पे बताया, यही ऑब्जेक्टिव है। डिट्टो टू रिड्यूस आर इफ पॉसिबल टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर नेशंस, ट्रेड बैरियर्स को मेंबर नेशन से कम करना, लेबर, कैपिटल, अदर फैक्टर्स को रिड्यूस करना, कल्चरल सोशल भाईचारा बना के रखना, मेंबर्स को असिस्ट करना, पॉसिबल वे टू स्पेशल रेफरेंसेस शेयर करना, ग्रोथ को प्रमोट करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग नॉन मेंबर के साथ करना, ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, नॉन टैरिफ नॉन मेंबर के साथ ज़्यादा बढ़ाना, अपने मेंबर्स को कम करना, जनरेट द कॉम्पिटिशन, है ना, इंक्रीज द कंज्यूमर वेलफेयर, जनरेट द हायर एम्प्लॉय इन द रीजन। तो यही कॉमन ऑब्जेक्टिव इसमें भी वही होंगे जो इसमें होंगे, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन ऐसे है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको सेम रखना है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक इन द वर्ल्ड, जिसमें जो कौन कौन से मेंबर हैं, जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, दिस ब्लॉक्स की ऑपरेशन कम्स इन ऑपरेशन 1994। और ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव इसके वही हैं, यही वाले सिमिलर, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव इसमें नाफ्ता में भी आपको सेम ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ईयू में भी, नाफ्ता में भी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एशियन नेशन वाज इस्टेब्लिश इन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक बाय 5 ओरिजिनल मेंबर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ठीक है। अब इस समय 10 हैं इसमें, जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, लेओस, म्यांमार और वियतनाम और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव वही सेम, ठीक है। इसके बाद सार्क, सार्क में अपना इंडिया भी आ गया, ठीक है। सार्क मेनली क्या, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सार्क में हो गया। इसका हेड क्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में, ठीक है। तो एक्सप्लोर दैट सार्क, तो पहली जो सार्क सार्क की मीटिंग हुई थी वो 14 जनवरी, इसमें थोड़ा 9 to 14 जनवरी को हुई थी 1996 में, ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव यही लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप ये आंसर्स आपको चार तरीके से, चार टॉपिक जो मैंने बताए हैं, सबसे पहला बताया ईयू, दूसरा बताया नाफ्ता, तीसरा बताया एशियन और चौथा बताया ये सार्क, ये चारों तैयार हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सबका एक, सबका मालिक एक, ठीक है। तो ये याद कर लोगे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ट्रेडिंग ब्लॉक के आपका टॉपिक तैयार हो गया। अब इनमें से सार्क आता है, नाफ्ता आता है, एशियन आता है, सब में आपको एक ही आंसर लिखना है, बस आपको उनकी स्पेसिफिक चार चार लाइनें आपको याद रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट अदर वीडियोज़ विच आर यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।